हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर वन इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय हुम. सो अगर आपको याद हो, फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम में प्रपोज किया गया था कि एटम इज मेड अप ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह स्प्रेड होते हैं, जो कि आप येलो कलर्ड बॉल से देख सकते हैं. तो हम आसानी के लिए कह सकते हैं दिस मॉडल इज सिमिलर टू वाटरमेलन. जिस तरह वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स रेड ईडेबल पार्ट में फैले रहते हैं, सिमिलरली फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में फैले रहते हैं. सो दिस मॉडल ऑफ एटम वॉज गिवन बाय जे जे थॉम्सन. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर टू इज सेइंग दैट एटॉमिक मॉडल्स हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स. अरेंज द फॉलोइंग मॉडल्स इन द ऑर्डर ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? आपको ईयर वाइज अरेंज करना है कि पहला मॉडल किसने दिया, फिर दूसरा मॉडल किसने दिया, एंड थर्ड मॉडल किसने दिया ईयर वाइज. तो अगर हम ईयर वाइज बात करें तो फर्स्ट मॉडल अभी हमने डिस्कस किया, जे जे थॉम्सन ने दिया था इन ईयर 1903. सेकंड मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड, और ये इन्होंने दिया था 1911 में. एंड फाइनल जो हम मॉडल ऑफ एटम स्टडी करते हैं, जो कि अब एक्सेप्टेबल है, दैट इज़ बोर मॉडल ऑफ एटम, एंड इट वाज गिवन इन ईयर 1913. सो अगर आप देख सकते हैं, अब मैच कर सकते हैं, आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. फर्स्ट पे है रदरफोर्ड, सेकंड पे थॉम्सन एंड बोर. सो यहाँ पे आप देखेंगे टू, इट इज़ टू, इट इज़ वन, एंड इट इज़ थ्री. सो योर ऑप्शन इज सेकेंड, वन एंड थर्ड. सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन इज मैचिंग विद अवर आंसर. सो करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर थ्री. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ शेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला. सो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल में कि जो है इलेक्ट्रॉन्स फिक्स सर्कुलर पास में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स. मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था अगर आपको याद हो. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स में रोटेट कर रहे हैं, उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, और इन एनर्जी लेवल्स को हम नंबर कर सकते हैं, लाइक वन टू थ्री फोर. और दूसरी तरीके से हम इनको अल्फ़ाबेट वाइज नंबरिंग कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट वाइज मार्क कर सकते हैं, कह सकते हैं हम के एल एम एन. सो हर शेल में पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू. वो फॉर्मूला क्या है? टू एन स्क्वायर, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल. फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम, अगर हम के शेल की बात करें तो यहाँ पे एन, इट इज़ फर्स्ट शेल, सो एन इज़ वन. तो अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें, टू इंटू वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू. सो के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सिमिलरली एल की बात करें तो फॉर एल एन इज़ टू बिकॉज इट इज़ सेकेंड शेल. सो यहाँ पे अगर हम टू एन स्क्वायर में इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? टू का स्क्वायर फोर, एंड फोर इंटू टू इज़ एट. सो सेकेंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट आ सकते हैं. एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर एम एंड एन. सो फॉर दिस अकॉर्डिंग टू इट Our answer is 2n square. Question number 4. The electrons present in the outermost shell are called. जैसा कि अभी हमने देखा,
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम में डिफरेंट शेल्स में अरेंज होते हैं, जिनको हम मार्क कर सकते हैं के एल एम एंड एन। अगर हम किसी पर्टिकुलर एटम की बात करें, फॉर एग्जांपल सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना हो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। कैसे अरेंज करेंगे? के के इज़ द फर्स्ट शेल। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। एंड सेकंड शेल एल में 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 8 + 2 इज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, बचा सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो किस में जाएगा? थर्ड शेल में, दैट इज़ एम शेल में। सो सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली, ये आपके एमयू एंट्रेंस में भी पूछा जा चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2008 और 2009 में पूछा गया है के एग्जाम में। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था साइज ऑफ न्यूक्लियस, अगर आपको याद हो, ये किस ऑर्डर में होता है? 10^-15 मीटर के ऑर्डर में होता है। सो आपको ये भी पता है प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका साइज भी 10^15 मीटर के ऑर्डर में होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू हालांकि न्यूक्लियस से कम होगी क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन न्यूक्लियस से छोटा होगा, बट हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो दोनों का साइज यहाँ पे किस ऑर्डर में होता है? 10^-15 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द न्यूक्लियॉन्स आर, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन से रिलेटेड आपको एक टर्म याद आ रही होगी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हम आप पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस में दो तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। सो व्हाट विल बी द आंसर? ऑब्वियसली सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में हैं, और इनमें से पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ए बी सी डी में से। सो आप अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद होगा एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसका मतलब क्या होता है? किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, इसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर जेड से। अगर आप बोर मॉडल ऑफ एटम को दोबारा याद करें तो क्या है? न्यूक्लियस में दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके चारों तरफ जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है निग्लिजिबल होता है, तो हम कहते हैं सारा मास एटम का कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में। सो मास नंबर इज इक्वल्स टू मास, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो आप देखें कौन से ऑप्शंस आपके यहाँ पे मैच कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज़ इनकरेक्ट। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमने क्या देखा? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो इट इज़ करेक्ट। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ द करेक्ट आंसर। सो कौन से स्टेटमेंट्स हमारे सही हुए? सेकेंड एंड फोर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड एंड फोर्थ, डैट इज डी। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
The force alpha particles scattering experiment was responsible for the discovery of रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हुई थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की? तो हमें आंसर देखना है इसका, और ये क्वेश्चन आपका एमयू एंट्रेंस में भी पूछा जा चुका है। तो अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, रदरफोर्ड ने एक सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ करी थी। अल्फ़ा पार्टिकल को हम He2+ आयंस की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक कराया था। ये थिन गोल्ड फॉइल है, और फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज़ करी थी। ये सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती थी। कैसे डिटेक्ट करती थी? इस पर येलो कलर, ब्राइट कलर के, यू कैन से ब्राइट कलर के स्पॉट्स प्रोड्यूस होते थे जब अल्फ़ा पार्टिकल इससे टकराते थे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल से पर स्ट्राइक कराया गया, तो ज़्यादातर जो स्पॉट्स प्रोड्यूस हुए वो स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस हुए, मीन ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, जिससे पता चला कि एटम में जो ज़्यादातर स्पेस है वो कैसी है, एम्प्टी है, और कुछ पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट जाने के बजाय थोड़ा सा अपने पास से डिफ्लेक्ट कर गए लेफ्ट और राइट में। तो ऐसे पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही थोड़े थे जो कि डिफ्लेक्ट कर रहे थे अपने पास से। तो इससे ये डिफ्लेक्ट क्यों करे, इसका क्या रीज़न हो सकता है? आप देखें गौर से कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो ये अपने पास से जब ही हट सकते हैं जब गोल्ड फॉइल के एटम्स में क्या हो, कुछ पॉजिटिव सेंटर हो। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो वो उसकी वजह से पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम में कुछ पॉजिटिव सेंटर है, और इस पॉजिटिव सेंटर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। सो इस ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवरी हुई थी किसकी, न्यूक्लियस की। तो यहाँ पे हम आंसर दे सकते हैं ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन वन मोर पॉइंट, यहाँ पे आप देखिए कुछ पार्टिकल्स और थे जो कि रिबाउंड बैक कर गए थे, जिससे ये पता चला था कि जो ये पॉजिटिव सेंटर जो न्यूक्लियस जिसको नाम दिया था वो बहुत ही हार्ड है और डेंस है, क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल्स थे जो कि रिबाउंड बैक करे थे या डिफ्लेक्ट करे थे, इसलिए ये माना गया कि न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस मैं नहीं करूँगी आपको, ये आपका होमवर्क है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9, इट्स योर होमवर्क। तो आप देख सकते हैं ये आपके एमयू एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपके एमयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन 9 to 12 आपका होमवर्क है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सॉल्व करके। एंड देन ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, जो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इस पर भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए। होप यू लाइक दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।